नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, एक और सीरीज जॉब्स आफ्टर जॉब्स की आपके लिए लेके आया हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स में, और आपका स्वागत करता हूं। आपको ये सीरीज अगर पसंद आ रही है तो बहुत अच्छा है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैंने जैसे कि पिछले आपको दो सीरीज में 20 जॉब्स बताए थे, अब कुछ ऐसे जॉब्स में आपको फिर बताने जा रहा हूँ जिसको कि आपको अच्छे लगेंगे और आपको लगे नहीं इनको करना चाहिए। मैंने इससे पहले आपको एक बताया था कि आप कोई व्हीकल लेके स्कूल वगैरह में लगा दीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है तो छोटे व्हीकल्स की जगह पे आप मिनी ट्रक वगैरह लेके और किसी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह में लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ में आप उनको रेंट पे भी दे सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ तो अगर आप ऑनलाइन अच्छा ऑनलाइन का यूज करते हैं तो आप ऑनलाइन रमी पोकर वगैरह खेल सकते हैं। एक्चुअली ये है तो एक तरीके का जुआ, पर पैसा कमाने के लिए अगर आपको अच्छी नॉलेज है इनकी तो आप इसमें भी अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट अगर आपको बता दूं कि तो आप जैसा कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल बना के भी आप पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब चैनल में सबसे बड़ी बात होती है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे आपको वॉच टाइम चाहिए, तो ये करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा कंटेंट रखना होगा और अपना यूनिक कंटेंट रखना पड़ेगा, किसी की कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये बात है, अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो आप यूट्यूब चैनल बनाइए। अगर आपको लगता है एक्चुअली कि ये बहुत बुरियत वाला सब्जेक्ट है तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे आइए, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आज के डेट में डाटा भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है लोगों के पास, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, यूट्यूब पर पैसा बहुत सारा है। अब यूट्यूब के बाद में अगर मैं आपको एक और बात बताऊँ, बहुत अच्छा जॉब ऐसा है कि अगर आप अपने जॉब से आने के बाद अगर अपने एक ऑफिस खोलिए जिसमें आप रद्दी का कलेक्शन कीजिए, स्क्रैप का कलेक्शन कीजिए, इसके लिए एक्चुअली थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि जब और आप एक बोर्ड लगा लीजिए, आप जो है सुबह अपना ऐड दे सकते हैं पेपर में जिसमें कि आप स्क्रैप कलेक्शन करते हैं, तो एक्चुअली है क्या आजकल वैसे तो घर घर या मतलब गली मोहल्लों में मिल जाते हैं रद्दी खरीदने वाले, पर अगर आपका खुद का बेस हो जाएगा जहाँ पे आप लोग आके आपके पास रद्दी खुद दे जाएंगे तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी, और उस टाइप का जो जॉब होगा उस जॉब में आप अगर चाहें तो कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना ऑफिस खोल के बस थोड़ा सा अपने आपको प्रचार करना ऐड करना है और आप रद्दी का कलेक्शन कीजिए और फर्दर जो भी स्क्रैप मार्केट के जो बड़े डीलर हैं उनको आप दे सकते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है। 3-4 रुपए का स्क्रैप आप खरीद सकते हैं, 8-10 रुपए का बच जाता है, डबल आपको सीधा पैसा मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप में कुछ ऐसी स्किल है जो आप जानते हैं और अगर वो स्किल आप दूसरों को दे सकते हैं तो उसके लिए आप वोकेशनल जो है कोर्सेज 2-3 दिन के 4 दिन के आप चला सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं और उस सिखाने के आप पैसे लीजिए। और कई लोग तो आजकल इस चीज़ के लिए वेबसाइट भी उन्होंने बना रखी है, वेबसाइट बनाने के बाद वेबसाइट पे ऐड आते हैं उसका भी पैसा मिलता है, काफ़ी कुछ मतलब ऐसा अवेलेबल है। अगर आप करना चाहें, अपने मन में ठान लिया है तो आप उसको कर सकते हैं और अपना अपनी स्किल्स को दूसरों को बांटिए और उसको जो आपका स्किल्स लेगा उसके भी आपको पैसा देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि उनकी वेबसाइट्स है और उन्हें 1400-1500 रुपये के कोर्स भी चला रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं एक जो है अमित मिश्रा जी है उनका नाम लेना चाहूँगा, और भी कई हैं पर मैं अमित मिश्रा का स्पेशल लेना चाहूँगा क्योंकि मैंने उनका कोर्स के सब्सक्राइब करा था। दीपक जी है, उनका भी मेरे पास मेल आया था, तो एक्चुअली मैं तो ज्वाइन नहीं किया था कोर्स क्योंकि मेरे पास इतना खुद ही नहीं है कि मैं अभी इन चीज़ों पर पैसा खर्च करूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम मिल पाता है। फिर भी अगर आप चाहें तो अगर आपके पास स्किल्स है तो आप अपने स्किल्स को बांट सकते हैं लोगों में और उसका भी आप चार्ज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो एमवे हो गया या फिर और भी कई कंपनी है, वर्टिगो है और मतलब ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन फ्री शॉप वगैरह जो नेटवर्क मार्केटिंग करवाती है, और इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको कस्टमर ढूंढने हैं, उनको कंपनी की अपनी मार्केटिंग चैन में लगाना है नीचे, और उसका आप पैसा आप भी कमाते हैं कंपनी भी कमाती है, पर आपको ध्यान देना चाहिए कि पोंजी स्कीम्स ना हो, जैसे वोट बाइकिंग वगैरह ये जो स्कीम्स आई थी तो पोंजी स्कीम्स नहीं होनी चाहिए, पोंजी स्कीम्स में पैसा लोगों को नहीं फंसाना है और ना खुद फंसना है। इस तरीके की एमवे है और भी आपको अच्छी अच्छी मार्केटिंग, अगर मैंने इसके ऊपर मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर LML के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख समझ सकते हैं, उसमें मैंने अच्छी कंपनियां जो है उनको ज्वाइन करने का बता भी रखा है, उन कंपनियों को आप ज्वाइन कीजिए, उसमें खुद भी जुड़िए, दूसरों को भी पैसा जुड़वाइए, तो कोई समस्या नहीं है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको एक बताता हूँ कि ये एक्चुअली वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया था एक अपने पिछले वीडियो में कि आप किसी संडे मार्केट या फिर शनिवार मंदिर वगैरह या फिर किसी फेयर वगैरह में या फूड फेयर वगैरह में आप जाके या मेले वगैरह में जाके आप अपना आउटलेट खोलिए, पर उससे अच्छा एक और है कि अगर आप डे शिफ्ट है तो आप नाइट शिफ्ट में काम करना चाहते हैं। कई लोग होते हैं जिनको मैंने देखा है कि उनको रात में 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक या फिर 1-2 बजे तक मोबाइल पे उसके बिजी रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आप अपने जो भी नज़दीकी जो पुलिस थाना वगैरह है उस
से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी नाइट आउटलेट खोलने के लिए। तो आप अगर एक मिनी फूड ट्रक वगैरह कुछ ले लीजिए और रात में आप कोल्ड ड्रिंक्स हो गया ये सब आप सर्व कीजिए। थोड़ी सी सिक्योरिटी की जरूरत जरूर इसमें लगती है, सिक्योरिटी अनसिक्योर फील करता है, पर आपको ये याद रखना है आपको ये ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पे भीड़ भाड़ हो जैसे, और या फिर कोई मतलब जैसे कि कोई ऑफिस है जो नाइट में चलता है, नाइट शिफ्ट करवाता है, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनमें नाइट शिफ्ट चलती है एक्चुअली, उनके तो अंदर भी आपको मिल जाएंगे उनके रेस्टोरेंट्स वगैरह। पर कई लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं बाहर का, तो उनके कंपनी के बाहर आप ठेला लगा सकते हैं। मैंने खुद फील किया है कलकत्ता में ITC का जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर में बहुत सारे ठेले वाले आपको मिल जाएंगे, दिन रात 24 घंटे मिल जाएंगे, जो कि इसी तरीके से लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक्स से कॉफी टी वगैरह सर्व करते हैं नाइट में। तो आपको ज्यादा भी नहीं करना है, रात में 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक बस लगाना, 2 बजे तक लगाना है, उसके बाद आपको अपने सो जाना है, जो भी आपका रूटीन है वो आप कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा काम है अगर आप करना चाहें तो। और इसके बाद ऑफिस खत्म होने के बाद जो है लोग जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, तो उस जगह पे अगर आप ये खुद नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप अगर चाहें तो कंपनी से परमिशन ले लीजिए। कंपनी से परमिशन लेने के बाद वेंडिंग मशीन, टी वेंडिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं। तो इस वेंडिंग मशीन जो होती है वो बहुत काम करती है। एक्चुअली इंडिया में तो इतना कल्चर है नहीं, पर जापान वगैरह में, चाइना वगैरह में आधा काम तो वेंडिंग मशीन ही करती है। आपने टीवी में देखा होगा उसे सिक्का डाला, वहां से आपको बिस्कुट का पैकेट, चॉकलेट्स ये वगैरह जो निकलते हैं ये सारे एक्चुअली जापान, अमेरिका वगैरह, इसी साउथ कोरिया वगैरह यहाँ पे फेमस है। तो कोरियन से तो ये लोग इनको ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप भी अपनी वेंडिंग मशीन लगा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली है कि इंडिया में थोड़ा अनसिक्योर है कि अगर यहाँ पे आपने कहीं लगा दी तो कोई रात में तोड़ ना ले जाएगी, तो इसलिए आपको इसके लिए थोड़ा सा पे भी करना पड़ सकता है किसी कंपनी को जहाँ पे लगाएंगे, या फिर उनकी प्रमाइसिस के अंदर लगाइए जहाँ पे उनका खुद का गार्ड रहता है, तो आपकी सेफ रहती है चीजें। इसके साथ ही मैं आपको एक लास्ट जो बताऊंगा वो है वीडियो एडिटिंग वगैरह। आपको लगता है वीडियो एडिटिंग बहुत ही मतलब इजी काम है, तो ऐसा नहीं होता है। वीडियो एडिटिंग के लिए भी आपको स्किल्स चाहिए। अगर आप एक सबसे सस्ती स्किल से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जब भी आप शादी बारात में जाते हैं तो वहां पे आप देखते होंगे कैमरा मैन वगैरह, तो उन कैमरा मैन को आप ज्वाइन कीजिए और आप उनकी उनसे बोलिए कि ठीक है नेक्स्ट जो पार्टी वगैरह होगी उसमें मैं आपकी वीडियोग्राफी और या फिर फोटोग्राफी कर दूंगा, तो वो जो आपको बताएगा तो वहां पे आप जाके उसके यहाँ पे जाके एडिटिंग वगैरह सीख सकते हैं, वो इजीली सिखा देगा। और मेरा एक फ्रेंड है अजय तोमर जो कि APS से पूरी क्लास चला रहा है, अगर आप उसके चैनल पर भी जाके अगर चाहे तो उसके भी आप सीख सकते हैं, फोटोशॉप पूरा सिखा रहा है, तो आप एडिटिंग वहाँ भी सीख सकते हैं। तो अगर एडिटिंग है तो आप बहुत से लोगों को आज की इसकी जरूरत है, और इससे जुड़ा व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप लोगों को इन कामों को करना चाहिए। अब ना तो ये वीडियो को लास्ट में वाइंड अप करने से पहले मैं आपको एक ही बात करूंगा कि आपको एक रोग से मुक्त रहना चाहिए, और वो रोग क्या है कि क्या कहेंगे लोग, तो क्या कहेंगे लोग आपको बिल्कुल नहीं सोचता है, मैंने हर वीडियो में अपने बताया है। आपको अगर ये सोचेंगे कि नहीं अगर कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं फूड ट्रक लगा रहा हूँ, मैं जोमेटो में क्या होता है डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ, या फिर और अदर जो भी है, तो छोटा काम हो या बड़ा काम हो कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है आपकी अर्निंग किस तरीके से हो रही है, क्योंकि काम कोई भी खराब नहीं होता है, काम जहाँ आपको पैसा मिल रहा है। अब इसमें मतलब ये मैं आपको क्लियर बता दिया कि कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, जो भी काम करना है लीगल करना है, पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही आपका सबसे बड़ा शॉर्टकट है। मेहनत आप जितनी अच्छी कर लेंगे, जितना अच्छा आपका नाम बन जाएगा उतना ही अच्छा आपको पैसा मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे मदद मिले। धन्यवाद।